सारे देश में महाराष्ट्र राज्य कृषि क्षेत्र में सबसे आगे है। खेतों का मूलभूत विकास और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र शासन हमेशा प्रयत्नशील है। खेती के आधुनिक तंत्रज्ञान की पहचान और अधिक मात्रा में उत्पादन क्षम बीजों की उपलब्धता करने के लिए महाराष्ट्र शासन पूरी तरह से कार्यरत है। मैं नामदेव गायकवाड़, तालुका कृषि मंगवेड़ा। ये जो शेड की स्कीम है वो NHM योजना है, उसके अंडर दी जाती है। फार्मर को पूर्व सम्मति के लिए अर्ज करना पड़ता है। पूर्व सम्मति देने के बाद एक महीने में शेडनेट कंप्लीट करना पड़ता है, और उसके बाद उसका जो डिटेल प्रस्ताव है तो जिलाधीशक कृषि अधिकारी कार्यालय सोलापुर से पुणे को जाता है, और अनुदान के लिए वहाँ प्रोसेसिंग होता है। जो ओपन कल्टिवेशन और शेडनेट कल्टिवेशन में जो डिफरेंस है, ओपन कल्टिवेशन में पेस्ट अटैक ज़्यादा रहता है, शेडनेट में थोड़ा कम रहता है। और शेडनेट में थोड़ी कंट्रोल कंडीशन, टेम्परेचर की कंट्रोल कंडीशन अच्छी रहती है, इसलिए इसका उत्पादन बेहतर रहता है। शेडनेट में दो टाइप रहते हैं, एक फ्लैट टाइप और राउंड टाइप। राउंड टाइप का खर्चा ज़्यादा रहता है, फ्लैट टाइप का थोड़ा कम रहता है। और इसको अनुदान का रेट जो है वो 50% है। अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट है बनाने के लिए 15 लाख है, और 7.5 लाख रुपए शासन के तरफ से अनुदान देते हैं। ओपन हाउस कल्टीवेशन और शेडनेट कल्टीवेशन में प्रोडक्शन में फर्क होता है। 30 से 40 गुना शेडनेट में ज़्यादा उत्पन्न रहता है, और उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। मंगलवाड़ा तालुके में शुरू में 19 शेडनेट कंस्ट्रक्ट किए गए, और बाद में 157 शेडनेट कंस्ट्रक्ट किए गए। इसमें फार्मर को संगठित किया और उसको तज्ञ के माध्यम से गाइडेंस किया। मेरा नाम सुनील प्रताप पाटिल है, मैं ब्रह्मपुरी, मेरा गांव का नाम ब्रह्मपुरी है, तालुका मंगलवेड़ा, जिला सोलापुर। शेडनेट के लिए पहली बार आपने तालुका कृषि ऑफिस में जाके आपने ऑनलाइन फॉर्म भर के शेडनेट के लिए मांगनी करने का, बाद में उधर से परमिशन मिलने के बाद शेडनेट खड़ा करने के लिए शुरुआत करने का। शेडनेट में खेती करने का उद्देश्य ये होता है, ये जो शेडनेट खेती है ये काटेकोर पद्धति की खेती होती है। इससे चारों बाजू से पैक एक घर की तरह ये खेती होती है। अंदर जो पिक प्लांटेशन किया जाता है उसकी तरफ हम एक एक प्लांट को देख के उसका उत्पादन निकाल सकते हैं, और जो उत्पादन निकालता है वो मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी का उत्पन्न जाता है। बाहर के और शेडनेट की जो खेती का उत्पन्न होता है उसमें एक क्वालिटी रहती है, इसलिए फार्मर को ज़्यादा पैसा मिलता है। ये शेडनेट खेती सोलापुर जिले में 2-3 साल हो गए पूरे शुरू करके। पहली बार GDR इंगड़े और रपिक नायकवाड़ी जिला कृषि अधिकारी थे, वो दोनों ने मिल के सोलापुर जिले में ये शेडनेट खेती शुरू की। शेडनेट खेती शुरू करने के पहले उन्होंने हमें बाहर जाके बताया कि ये शेडनेट खेती कैसी होती है और ये शेडनेट खेती में कौन सा पिक डाला जाता है। उसके बाद ये शुरू करने के बाद अंदर का एक एक आइटम मालूम होते गया, और बाद में ये मालूम हुआ कि ओपन की खेती और शेडनेट की खेती इसमें 5-10% डिफरेंस रहता है। शेडनेट खेती और बाहर की खेती इसमें जो डिफरेंस रहता है, वो बाहर की खेती है वो 3-4 महीने चलती है, और अंदर की खेती जो है वो पैक पूरी तरह से पैक रहने के कारण अंदर की खेती है वो 2-4 महीने ज़्यादा निकलता है उत्पन्न। शेडनेट में जो भी पिक लेते हैं हम, वो बाहर का ओपन का और अंदर का जो पिक होता है, प्लांट जो पिक है वो बाहर के पिक से ज़्यादा क्वालिटी का निकलता है, इसलिए मार्केट में 2-4 रुपये ज़्यादा मिलता है। महाराष्ट्र शासन के खेती विषय जरूरी योजनाओं में से ही एक शेडनेट हाउस भाजीपाला तंत्रज्ञान का राज्य के सभी किसानों को अधिकतम लाभ हो रहा है।